हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। ये देखिए कितना दानेदार और मॉइस्ट लग रहा है ये हलवा। वैसे तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन अगर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ नहीं बनाते हैं तो या तो हलवा ड्राई हो जाता है या बहुत ही पतला हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नो फेल सूजी हलवा बनाने की रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ऐसा बढ़िया सूजी का हलवा बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन, और पैन में डालेंगे आधा कप घी। फ्लेम को लो ही रखना है और घी को हम मेल्ट करेंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा इसमें हम डालेंगे आधा कप जितना सूजी। सूजी को हम घी में रोस्ट करेंगे। बढ़िया हलवा खाने का मजा तभी आएगा जब सूजी अच्छे से घी में रोस्ट हुई होगी। सूजी को रोस्ट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में इसका जो कलर है वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। सूजी को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, ये परफेक्ट लग रहा है एकदम। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 1.5 कप जितना दूध। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठलियां ना रहे। मैंने केसर को ऑलरेडी दूध में डाल के रखा है। फ्लेम को लो ही रखना है और अच्छे से इसको मिलाते रहना है। मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क लिया है, और क्योंकि फुल फैट मिल्क बहुत गाढ़ा होता है तो मैंने 1 कप दूध में आधा कप पानी डाला है। दूध की जगह पे आप पानी भी ले सकते हैं, लेकिन जो ये सूजी का हलवा है वो जब दूध में बनता है तो उसका जो टेस्ट आता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। बस इसी तरह से चलाते रहना है और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो हमारा मिक्सचर है वो गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए सूजी ने पूरा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे आधा कप चीनी। इलायची का पाउडर भी डाल देंगे हम इसमें। तो एक बढ़िया सा सूजी का हलवा बनाने के लिए आप प्रोपोर्शन नोट कर लीजिए। अगर आधा कप हम सूजी लेते हैं तो आधा कप घी, आधा कप चीनी और 1.5 कप दूध। चीनी जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो थोड़ा सा ये जो मिक्सचर है वो लिक्विडी हो जाएगा। इसको आपको 2 या 3 मिनट तक इस तरह से कुक करते रहना है, और थोड़ी देर में देखेंगे कि जो हमारा हलवा है वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है और उसने पैन की जो साइड है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। ये परफेक्ट साइन है कि हमारा जो हलवा है वो अच्छे से बन गया है। गैस को बंद कर दीजिए और इसमें हम डालेंगे थोड़े से स्लाइस किए हुए ड्राई फ्रूट्स। चलिए अभी इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म सूजी का हलवा तैयार है। गार्निश करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ। तो खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।